नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। रामानंद सागर के द्वारा बनाई गई रामायण में सभी पात्रों ने अपने अपने किरदारों के साथ ऐसा तालमेल बैठाया कि सीरियल के कलाकारों को लोग उनके असल नाम से कम और सीरियल के पात्रों के नाम से ज्यादा जानने लगे। रामानंद सागर की रामायण इतनी हिट हुई कि हर किरदार आज भी लोगों की जुबां पर है। रामायण सीरियल में लंकेश का रोल निभाकर अरविंद त्रिवेदी ने लोगों की जुबां पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी थी। बता दें कि अरविंद मूल रूप से मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन उनका जीवन गुजरात में बीता। 8 नवंबर 1937 को पैदा हुए अरविंद त्रिवेदी 81 साल के हो चुके हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असल जिंदगी में वो भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। अरविंद त्रिवेदी राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। रामानंद सागर ने रावण के किरदार के लिए करीब 300 कलाकारों का ऑडिशन लिया था। जब ऑडिशन के लिए अरविंद त्रिवेदी आए और उन्होंने अपना हुनर दिखाया तो वो फाइनल हो गए। रामानंद सागर ने वही ऐलान कर दिया कि तुम रावण बनोगे। अरविंद त्रिवेदी रामायण के अलावा कई सारे टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने विक्रम और बेताल जैसे सीरियल में भी काम किया। वहीं उन्होंने गुजराती और हिंदी की करीब 250 फिल्मों में भी काम किया है। अरविंद ने रामायण के बाद विश्वामित्र नाम के धारावाहिक में भी काम किया। अरविंद त्रिवेदी साल 1991 में गुजरात के साबरकांठा जिले से सांसद भी चुने गए थे। बता दें कि अरविंद के बड़े भाई उपेंद्र त्रिवेदी गुजराती थिएटर के जाने माने आर्टिस्ट रहे हैं। भाई की कला से प्रभावित होकर ही अरविंद ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। वहीं लंकापति रावण के किरदार में उन्हें सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंचाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी रावण ही समझने लगे। एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद त्रिवेदी ने बताया, मैं तो केवट के रोल के लिए ऑडिशन पर गया था, लेकिन रामानंद सागर की नजरें मेरे अंदर कुछ और ही तलाश रही थी। त्रिवेदी ने बताया कि सभी कलाकारों के ऑडिशन होते रहे, लेकिन मुझे किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। जैसे काफी नर्वस हो रहा था, तभी मुझे बुलाया गया। मुझे एक स्क्रिप्ट दी गई। स्क्रिप्ट की डायलॉग बोलकर मैं कुछ कदम ही चला था कि रामानंद जी ने लगभग चीख कर बोला, बस मिल गया मुझे मेरा लंकेश, यही है मेरा रावण। मैं हैरान परेशान होकर इधर उधर देखने लगा कि अभी तो मैंने डायलॉग भी पूरा नहीं बोला, पर ये हो क्या गया। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले, मुझे मेरा रावण जैसा चाहिए था वैसा ही मिल गया है। सागर ने कहा था कि रावण ऐसा हो जिससे सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि भक्ति भी हो। विद्वान होने के कारण उसके चेहरे पर तेज भी हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी चाल से ही ये भरोसा हो गया कि तुम इस किरदार के लिए सबसे सही हो। वहीं आपको बता दें कि इस सीरियल के बाद लोग अरविंद त्रिवेदी को भूलकर लंकापति रावण कहने लगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे बच्चों को लोग रावण के बच्चे और मेरी पत्नी को मंदोदरी के नाम से पुकारने लगे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रावण का किरदार निभाकर मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। त्रिवेदी ने बताया कि जिस दिन सीरियल में रावण को मारा गया, उस दिन मेरे पूरे इलाके में लोग शोक में डूब गए थे। बता दें कि वास्तव में रावण के चरित्र की लोग दिल से इज्जत करते हैं। पूरे विश्व में लोग रावण को विद्वान मानते हैं। दक्षिण में तो रावण की पूजा भी होती है। रावण ने तो भगवान राम के जरिए अपने पूरे परिवार को मोक्ष दिलाया। अगर रावण में स्वार्थ के गुण होते तो वो खुद हिरण बनकर मोक्ष प्राप्त कर लेता। रावण ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। घोर तपस्वी भी था। अहंकार को छोड़कर रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।